हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइल बाय महक। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ब्यूटीफुल सी ड्रेस 2 से 3 साल की बच्ची के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ड्रेस बनाने के लिए 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक का यूज किया है। आप कोई सा भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 4-fold फैब्रिक ले लिया है टॉप पार्ट का 1.5 मीटर फैब्रिक में से। इसकी लेंथ मैंने ली है 9 इंच और अब हम शोल्डर का मार्क कर लेंगे। तो शोल्डर मैंने लिया है 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पर मार्क कर लिया। और अब हम आर्म होल का मार्क करेंगे, तो आर्म होल भी मैंने 4.5 इंच ही लिया था। अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे, तो चेस्ट साइज मैंने रखा है 8 इंच प्लस 2 इंच और ऐड कर लिया है मार्जिन के लिए, तो 8 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम वेस्ट का साइज ले लेंगे, तो वेस्ट का साइज मैंने रखा है 7.5 इंच प्लस 2 इंच मैंने ऐड मार्जिन के लिए कर लिया है इसी में ही। तो अब इन दोनों मार्क पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर हम शोल्डर में गोलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमारी गोलाई लग चुकी है। अब हम नेक मेजरमेंट कर लेंगे, तो नेक विथ मैंने रखी है 2 इंच और डीप मैंने रखी है 3 इंच, और अब हम इन मेजरमेंट पर गोलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इन मार्क पर कटिंग कर लेंगे। हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग करेंगे, और बैक पार्ट पर हम हुक के लिए मार्क लगाएंगे। तो हुक के लिए हम 2 इंच पर मार्क लगाएंगे और उसको कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हुक के लिए कट कर लिया है। फ्रेंड्स, ये हमने 2 फैब्रिक पार्ट्स लिए हैं, तो इसकी लेंथ है 8 इंच और विथ है इसकी 30 इंच, और अब इसमें हम अलग अलग कर चुन डाल लेंगे। आप प्लेट्स भी डाल सकते हैं और गैदरिंग भी कर सकते हैं। मैंने थ्रेड गैदरिंग करी थी, आप प्लेट्स भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए, इस तरीके से हमें डालनी है। ये हमारी गैदरिंग कर ली है हमने। अब हम इनको साइड में रखेंगे, पहले टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो हम अब फ्रंट और बैक पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है, अब इसको ओपन करते हैं और जो हुक के लिए हमने कट किया था उस पर पट्टी लगा लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से पट्टी लगानी है। उस पर भी हमने 2 इंच का कट लगा दिया था, सिलाई लगा देंगे। अब इस पर स्मॉल कट्स लगा देंगे और इसे बैक पार्ट की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। अब हमें नेक रेडी करना है, तो नेक के लिए मैंने पट्टी ले ली है। इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे पूरे में। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें रखकर सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, कट्स लगाने के बाद हम इसे अंदर की साइड डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे पूरे में। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करना है और पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो अब हम शोल्डर रेडी कर लेंगे, तो शोल्डर के लिए भी पट्टी काट लेंगे और उसको ऐसे उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। और ऐसे ही हमें दूसरी साइड करना है, पट्टी लगानी है। तो इस तरह रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें स्मॉल कट्स लगा देंगे। तो ये हमारे कट्स लग चुके हैं। अब हम इसको अंदर की तरफ
डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे और सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे दोनों शोल्डर रेडी हैं, इसको बॉटम पार्ट से अटैच करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको फ्रंट साइड रेडी करके दिखा दूंगी, ऐसे ही आपको सेम बैक साइड भी रेडी करनी है। तो हम गैदरिंग को टॉप पार्ट से ऐसे अटैच करेंगे कि सीधी साइड हमें दोनों की अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी साइड की तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे, ऐसे ही हमें बैक पार्ट भी रेडी करना है। ये हमने दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं, फ्रंट और बैक पार्ट्स। अब इसमें हम फिटिंग लगा देंगे और बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट बनकर रेडी है, अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए हमने 4 फोल्ड फैब्रिक रख लिया है, क्लोज साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और ओपन साइड दूसरी तरफ रखी है। इसकी लेंथ है 21 इंच और विड्थ है 10 इंच। अब हम इलास्टिक के लिए मार्क करेंगे, तो 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो रेडी लेंथ के लिए हम 18 इंच पर मार्क कर लेंगे, 1 इंच हम फोल्ड करने के लिए रखेंगे बॉटम पार्ट को और 1 इंच के मार्क पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और हिप साइज हमने रखा है 8 इंच और क्रॉच एरिया भी हमने 8 इंच ही रखा है और 8 इंच के मार्क पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 2 इंच पर निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी गोलाई दे देंगे। तो अब बॉटम पार्ट का मार्क करेंगे, तो बॉटम पार्ट मैंने रखा था 9 इंच का। अब बॉटम पार्ट को क्रॉच एरिया से अटैच कर लेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रंट और बैक पार्ट को अटैच करेंगे क्रॉच एरिया से। तो हम सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए दोनों पार्ट्स की क्रॉच एरिया के साइड से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है इसकी। ये हमारी सिलाई लग चुकी है, अब हम इसे ओपन करेंगे। तो ये देखिए बीच से हमारी सिलाई लग गई है, अब हम नीचे की साइड से फिटिंग लगाएंगे इसमें और बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। ये हमारा बॉटम डबल फोल्ड हो गया है और फिटिंग भी लग गई है। अब हम इलास्टिक के लिए डबल फोल्ड करेंगे 2 इंच पर जो मार्क किया था और 1.5 इंच छोड़ते हुए इलास्टिक डालने के लिए हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है 1.5 इंच का गैप देते हुए। अब हम इलास्टिक लेंगे, तो इलास्टिक की लेंथ मैंने रखी है 17 इंच और इसको हम अटैच कर देंगे प्लाजो से। इलास्टिक अटैच करने के बाद हम इलास्टिक पर सिलाई लगा देंगे और जो हमने 1.5 इंच का गैप दिया था उस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।